हेलो गाइस, आज हम आपको ट्रंकी में 100 के ट्रंकी में 22.5 डिग्री का आप अपसेट बना करके दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। इसमें हम आपको पूरा मार्किंग मेजरमेंट पूरा मैं आपको समझाने वाला हूं। इससे पहले भी मैंने वीडियो बहुत सारे अपलोड किए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो मेरे चैनल को जाकर चेक करिएगा। ट्रे ट्रंकिंग से रिलेटेड अगर काम आप सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे पहले मैंने जितने वीडियो बनाया है 90 डिग्री 45 डिग्री बैंड मैंने बनाया, ये वीडियो मेरा ट्रंकी का है। इसमें मैं आपको 22.5 डिग्री का मार्किंग आपको समझाने वाला हूँ। और भी मेरा वीडियो आने वाला है, उसमें मैं आपको 22.5 डिग्री का मार्किंग और कटिंग उसका कैसे करते हैं मैं पूरा फार्मूला के साथ आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, शुरू से आखिर तक देखें, बिल्कुल भी आपको समझ में आ जाएगा अगर आपने शुरू से आखिर तक देख लिया। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा 100x100 का ट्रंकी है। साइज़ इसका देख सकते हैं, मेजरमेंट करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए 100mm का ट्रंकी है। अगर इसको आप ये सेंटर से, ये सेंटर है इसका ट्रंकी का, यहाँ से मेज़र करेंगे तो भी ये सेम आएगा, ठीक है। और इधर से भी देखेंगे तो ये सेम आएगा, यानी कि ये चारों तरफ से आपका 100mm ही आएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसमें हम आपको 22.5 डिग्री का आप ऑफसेट बना करके दिखाएंगे। तो इसका मार्किंग हम आपको, चलिए शुरू करते हैं, इसका मार्किंग हम दिखाते हैं आपको फ्रेंड्स। तो सबसे पहले क्या करना फ्रेंड्स, ये स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा। यहाँ से हम 150mm पे एक निशान लगा दिए हैं, देख सकते हैं 150mm में। हम इधर से ये स्टार्टिंग पॉइंट से हम छोड़ करके एक मार्किंग करेंगे, ठीक है। आपका भी जितना भी आएगा आप उतना करेंगे। तो एग्जांपल के लिए आपको समझाने के लिए हमने यहाँ से 150mm पे एक निशान लगा दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो हमने निशान लगाया ये हमारा सेंटर का हो गया, ठीक है। यहाँ से आपको 20mm बैक आ जाना है, ठीक है। ये देखिए हमारा 150 पे ये मार्किंग है, यहाँ से 20mm यहाँ पे, इधर से इधर हम यहाँ ले लिए, फिर यहाँ ये सेंटर हो गया हमारा। ये सेंटर से फिर 20mm आगे यहाँ पे एक निशान लगा दे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद ये आप मार्किंग कर लें, ठीक है। ये तीनों आप लकीर खींच दें सीधा राइट एंगल की सहायता से। तो चलिए इसको हम मार्किंग कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे। तो इस तरीके से इसको हम मार्किंग कर लिए हैं, देख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे हमको एक वी कट बनाना है और एक कपलर का भी मार्किंग करना है हमको, ठीक है। तो यहाँ से एक निशान लगाएंगे हम इस तरफ से, ये देखिए ये सेंटर से आपको यहाँ पे एक निशान लगा देना है। आप यहाँ से भी वी कट लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी आप लगाएंगे वी कट तो ये सेंटर से आप मार्किंग करेंगे, ना कि इधर से। अगर इधर से यहाँ पे अगर वी का निशान लगाते हैं वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी लगाएंगे सेंटर से इस तरफ, फिर ये सेंटर से इस तरफ, या फिर राइट या तो फिर लेफ्ट, ठीक है। तो ये आपको, ये देखिए अब आपको कपलर का मार्किंग करना है। तो यहाँ से आप एक कपलर का मार्किंग कर लें, ठीक है। ये आपका यहाँ से यहाँ कटिंग हो जाएगा, और ये जो लाइन देख रहे हैं ये सिर्फ हम कटिंग करेंगे, ठीक है। ये आपको ये नहीं कटिंग करना है, ये काट भी सकते हैं, पूरा वी भी निकाल सकते हैं आप, ठीक है। तो इधर का मार्किंग हो गया फ्रेंड्स। अब आपको क्या करना है, ये जो हमने मार्किंग किया है ये तीनों लाइन आप इधर भी लेकर के आ सकते हैं, ठीक है। तो हम वैसा नहीं करेंगे, ये हमको सेंटर का मार्किंग अगर हम कर दें तो हमको अच्छा नहीं लगता, ख़राब लगता है दिखने में आपको, ये ट्रंकी खराब लगेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ से सेम मेजरमेंट हम ले लेंगे, ठीक है, जैसे हमने उधर मार्किंग किया था। तो यहाँ से हम 150mm पे एक निशान लगा दिए, ठीक है। उसके बाद फिर 20mm इधर और 20mm इधर, ठीक है। उसके बाद सेम मार्किंग आपको जैसा कि मैंने उधर किया है, इधर भी आपको वैसे ही मार्किंग कर लेना है। तो ये देखिए ये मार्किंग हो गया। उसके बाद आपको यहाँ से एक वी का निशान लगाना है, हमने इधर से वी का निशान लगाया था, तो आपको भी इधर से लगाना है। उस तरफ जो हमारा वी का निशान है सेम इधर से है, ठीक है। तो आपको देख लेना है, आपको चेक कर लेना, ठीक है। तो ये आपका कपलर हो गया, सेम सेम जैसा हमने उधर मार्किंग किया। ये देखिए ये हमारा वी इधर से कटेगा और ये वाला देखिए इधर कटेगा, है ना। ये दोनों मिल रहा है, ये तो आपस में दोनों मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसको पूरा आप यहाँ तक मिला दें, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मार्किंग हो चुका है। अब आपको क्या करना है, अब हमको क्या करना फ्रेंड्स, अब हमको ये देखना है हमको कितना का अपसेट चाहिए, ठीक है। तो हम इसमें आपको 70mm का अपसेट बनाएंगे, ठीक है। आप कितना का भी बनाएं वो आपके ऊपर है, लेकिन हम 70mm का इसमें अपसेट बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये देखिए ये हमारा 70mm हो गया। इसको हम डिवाइड करेंगे 1.41 से, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आएगा कितना आएगा, 98mm,
ठीक है, 98.7, यानी कि हमारा ये 98.5 mm हो जा रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ से 98.5 mm नहीं लेना है, आपको क्या करना है, इसको डबल करना है। तो 98.5 mm को अगर आप डबल करते हैं 98.7 इसको प्लस करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा, तो फ्रेंड्स हमारा आंसर आया है 197, है ना, 197 mm, ठीक है, 0.4 आया है। तो 197 mm हमको यहाँ से मार्किंग करना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, आपको ध्यान देना है आपको मार्किंग कहाँ से करना है। तो ये देखिए, ये जो हमारा सेंटर वाला लाइन है ना, तो ये सेंटर वाला लाइन से आपको यहाँ से मेजरमेंट लेना है। तो हमको 197.5 लेना है, तो हमारा 197.5 कहाँ पे आएगा ये हमको देखना है। तो ये देखिए, ये हमारा 100 हो रहा है और यहाँ हमारा 190, तो 97 हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये देखिए यहाँ से हमने डबल कर दिया ये मार्किंग, जो भी हमारा यहाँ से आंसर आएगा 70 × 141 से जो हम इक्वल टू करेंगे तो 98.7, ठीक है, उसको हम डबल कर दिए। तो ये सेंटर से हम यहाँ पे एक निशान लगा दिए, यहाँ पे हमारा आ गया। अब आपको क्या करना है फ्रेंड, ये सेंटर से हमने यहाँ पे एक निशान लगा दिया, ठीक है, अब आपने क्या करना है ये देखिए, यहाँ से आपको 20 mm यहाँ पे ले एक मार्किंग करना है और यहाँ से फिर आगे 20 mm, ये दो निशान आपको लगाना है। यहाँ से आपको 20 mm पे आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये हमारा मार्किंग हो गया 20 mm पे यहाँ पे और फिर एक यहाँ पे। इसके बाद आपको क्या करना है, ये मार्किंग कर लेना, आपको ये पूरा तीनों लाइन आपको इस तरीके से ये देखिए ये मार्किंग हो गया। ये तीनों लकीर जो है फ्रेंड्स, ये आपको पूरा एंड तक इधर तक करना है, ठीक है। तो तीनों को हम इसको हम पूरा मार्किंग कर लेते हैं, इसके बाद फिर हम आपको बताएंगे। तो चलिए पहले इसको मार्किंग कर ले अच्छे से। ये देखिए फ्रेंड, ये मार्किंग हो गया है, ठीक है। अब आपको ध्यान देना आपको क्या करना है, देखिए तो इसमें फ्रेंड्स आपको वी कटिंग लगाना है, जैसा कि हमने इधर लगाया है, ये देख सकते हैं ये हमने इधर से वी कट लगाया है। अब इसको हम उल्टा वी कट लगाएं, क्योंकि हमको पीछे से बैक साइड से इसको हमको कटिंग करना है। तो इसको हम कैसे मार्किंग करेंगे, ये देखिए, ये जो सेंटर का लाइन है ना, सेंटर का लाइन से ही आपको मार्किंग करना है, ठीक है। तो हमको सेंटर का लाइन से मार्किंग करना है, ये देखिए हमारा ट्रे का ये खाली साइड है, तो हम इसको इधर से भी बनाएंगे, ये देखिए इधर से लेंगे ये सेंटर से और यहाँ पे हम एक वी का निशान लगा देंगे, ये देखिए, ठीक है ना, यहाँ से हम कटिंग करेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप कपलर बनाना है आपको, ये देखिए, ये आप पूरा ही मार्किंग कर सकते हैं। और एक वी का निशान आप इधर से लगा दें, ये देखिए इस तरीके से, और यहाँ भी आप, ये हमारा कपलर बनेगा, इसको आपको काट करके इसको निकालना है, ठीक है, ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड, ये मार्किंग हमारा मुकम्मल हो चुका है, ये देख सकते हैं, ये जो हमने मार्किंग लगाया आपको, ये आपको कटिंग करना है, ठीक है, यहाँ से ये कट का हम निशान लगाते जा रहे हैं, यहाँ तक आपको ये कटिंग करना है, ठीक, सिर्फ यहाँ तक, ये आपको पूरा नहीं कटिंग करना, ठीक है। और ये जो मार्किंग किए हैं हम, आपको यहाँ से ये वाला पूरा हिस्सा निकाल देना है, ये वाला पूरा कटिंग कर देना है, ठीक है। आप ये पूरा भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ यहाँ से और ये पूरा एंड तक, यहाँ तक इसको हम कटिंग करेंगे, ठीक है, ये दो हिस्सा हमारा बच जाएगा और इसको हम काट करके इसको निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद जब हम इसको मोड़ेंगे तो ये जो देख रहे हैं ये इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, तो इसमें रूपिंग बोल्ड डाल करके इसको हम टाइट कर देंगे। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से इसको मार्किंग करना है, ये हमारा 22.5 डिग्री का आपको पूरा फार्मूला के साथ हम मार्किंग पूरा कटिंग हम आपको समझा दिए हैं। तो चलिए इसको हम कटिंग करके भी आपको दिखाएंगे, सेम जैसे हम मार्किंग किए वैसे कटिंग हुआ है कि नहीं हमारा, उसके बाद बाइंड करके फिर हम आपको इसका हाइट मेजरमेंट करके हम आपको दिखाएंगे ये हमारा 70 mm का बना है कि नहीं। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स कटिंग करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा कटिंग हो चुका है, देख सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ से यहाँ मार्किंग किया था और ये वाला यहाँ से यहाँ मार्किंग किया था, ये हमारा भी था, तो हमने पूरा भी नहीं निकाला, सिर्फ यहाँ से यहाँ कटिंग कर दिया, ठीक है।
और ये हमने कॉलर यहाँ से यहाँ तक काट दिया, तो ये हमारा कपलर बन गया। इसको हम इस तरीके से इसे मोड़ेंगे तो ये वाला हिस्सा इसके अंदर आ जाएगा। फिर इसमें रूपिंग बोल्ट डाल करके इसको होल करके टाइटर से टाइट कर देंगे। देख सकते हैं इधर से भी ये हमारा सेम सेम कटिंग हो चुका है। और ये जो देख रहे हैं आप, ये भी हमने कटिंग कर लिया यहाँ से यहाँ तक। ये हमने पूरा भी नहीं निकाला, आप इसको निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, ठीक है। और इधर पे देखिए, यहाँ पे हमने ये वाला काट करके निकाल दिया, और ये भी कॉलर हमने काट करके इसको निकाल दिया है। और इसको हम कपलर बना दिए हैं, ये भी हमारा कपलर बन गया है, उस तरफ भी हमारा कपलर बन चुका है। जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये हिस्सा और इधर का हिस्सा ये अंदर आ जाएगा। फिर इसमें एक इधर रूपिंग बोल्ट डालेंगे और दो इधर और एक इधर, ठीक है। इसको रूपिंग बोल्ट डाल करके इसको अच्छे से टाइट कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए इसको हम मोड़ करके रूपिंग बोल्ट डाल करके इसका हाइट मेजरमेंट करके दिखाएंगे 70 mm का हमारा अपसेट बना है कि नहीं। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो हमारा अपसेट बन करके तैयार हो गया फ्रेंड्स, देख सकते हैं। ये हमने जैसा मार्किंग किया, कटिंग किया, वैसे बैंड करके इसको हमने पूरा अपसेट बना दिया। ये देख सकते हैं, ये हमने पूरा रूपिंग बोल्ट डाल करके ये अंदर से देख सकते हैं, ये हमारा कपलर है और ये भी कपलर है और ये भी कपलर है हमारा। हैमर से मार करके इसको हमने अच्छे से बैठा दिया है। और इधर भी देख सकते हैं, ये दोनों हमारा कपलर है। इसी तरीके से आपको रूपिंग बोल्ट डाल करके इसको टाइट कर देना अच्छे तरीके से। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।